व्हाट हैपेंड कुकी, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो, अभी तक तो सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, एक्चुअली मैंने आपको थप्पड़ मारा ना, बस उसी का गिल्ट है। ओ तो तुम्हें उस बात का बुरा लग रहा है, बट गलती तो मेरी थी ना, और मैं डिजर्व करता हूँ। बट फिर भी डैड कहते थे कि हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उन पर हाथ उठाना चाहिए और ऊंची आवाज में बात करना चाहिए, और आज तो मैंने वो दोनों ही कर दिया। आई एम सॉरी। अगर तुम्हें इतना गिल्ट हो रहा है तो ठीक है, तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना इस बात की। क्या आप पनिशमेंट दोगे? बट अभी तो आपने कहा ना कि आपको बुरा नहीं लगा, तो फिर नहीं, पर तुम्हें गिल्ट हो रहा है ना, सो इस बात की पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, है ना? वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी, जिस्म से तू हमें क्या कर रहे हो? बाइट कर रहे हो? आपको पता है बाइट से कितना दर्द होता है? कभी आपको किसी ने बाइट किया है? अच्छा तो तुम मुझे बाइट करो। नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं आता है, मुझे बाइट वाइट करना नहीं है, और आप भी आइंदा से मत करना, आपको नहीं पता कितना दर्द होता है। ओके बाबा सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, माफ़ कर दो। अब बस करिए, आप बहुत माफ़ी मांग चुके हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे फिर से दोबारा ये सब कुछ करें और माफ़ी मांगे। कि बेटा तुम ठीक हो ना? और कल रात की वजह से शायद तुमने अभी तक टैंक को माफ़ नहीं किया होगा। देखो उसकी वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है माँ, मैंने मिस्टर किम को ऑलरेडी माफ़ कर दिया है। क्या तुमने सच में इसे माफ़ कर दिया इतना तमाशा होने के बाद भी? हाँ मॉम, क्योंकि कुकी का कहना है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रहते, और हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्यों है ना? जी मॉम, और मैं मिस्टर किम से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उनसे नाराज नहीं रह सकती, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों को पता है। रात भर में यही सोच सोच कर परेशानी होती है, पता नहीं सुबह क्या ड्रामा होगा, शायद कुकी पे हमको माफ ना करे, पता नहीं कितनी टेंशन में थी। मॉम आप टेंशन मत लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या काई, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम लंदन जा रहे हो और तुम मुझे साथ में लेकर जा रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्यों, तुम्हें क्यों लेकर जाऊँ अपनी बर्बादी के लिए? वैसे भी 3 साल पहले तुम्हें अपने घर में रखना, तुम्हारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए बहुत बड़ी गलती थी, तुम्हारे वजह से मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा भाई जेल में है, मुझे पहले उनको छुड़वाना है, लेकिन नहीं, उन्हें छुड़वाना तो मुश्किल है क्योंकि उन्हें किम तेयंग ने जेल में डाला है, इसलिए लंदन जाकर मैं अपने भाई का बिजनेस संभालूंगा और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊँगी? वाह, ये मेरे लिए है। ऑफ कोर्स बेबी, और मैं किसके लिए लेकर आऊँगा? लेकिन आज किस खुशी में? वो इस बात की खुशी में कि आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो कैसा सपना? एक्चुअली मैं जिस डील का सपना देख रहा था, आज वो सपना पूरा होगा। मैं कुछ समझे नहीं, मतलब अरे तुम तो जानती हो, मैं पिछले 2 मंथ से मिस्टर वांगीपो के साथ डील करने की सोच रहा था, लेकिन वो हमेशा बात टाल देते कि मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, इस वीक आऊँगा, लेकिन बट आज उनके छोटे भाई आने वाले हैं, और हमें पता है हमें ना उनकी अच्छी खातिरदारी करनी है, मतलब अगर हम उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे तो वो मिस्टर वांगीपो को जाकर कहेंगे और हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। हाँ वो तो आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई such a fucking hole, I love it, you like it more, I love it. Don't fuck you when I'm home, I love it. My private, she's a whore.